ऐसा जो कृष्ण चंद्र पार्क में कुछ सामान पकड़ा गया, तो पुलिस की तरफ से भी लोगों को अपील की जाती है। तो कल भी पुलिस ने यहाँ पे बस स्टैंड का दौरा किया, ड्राइवरों से भी बात की। आप एज मैनेजर क्या कहेंगे कि लोग अपने ड्राइवर से? देखिए सर, ऐसा है कि कल परसों ये जो उधमपुर में हादसा हुआ है, हमारी बसों में पहले तो एक ब्लास्ट हुआ, फिर 8-10 घंटे के बाद दूसरा ब्लास्ट हो गया, तो ये बड़ी दुख की बात है। हमारे ट्रांसपोर्टर जो हैं, ये बड़ी बिग बसें या मिनी बसें, ये हर एक पब्लिक का काम करती हैं, स्टूडेंट्स हाफ कंसेशन, ये वो पूरा गवर्नमेंट का काम करती है। पता नहीं ये गाड़ियों के साथ क्या किसी को दुश्मनी हो गई है, और इतना हम शुक्र शुक्रिया अदा करते हैं ऊपर वाले का कि गाड़ी में कोई पैसेंजर नहीं था, या ड्राइवर कनेक्ट नहीं थे, रात को गाड़ी खड़ी थी, तो ये अच्छा कर दिया किसी। मैं वक्तन वक्तन अपने ऑफिस में सब ड्राइवरों को, कंडक्टर को, व्हीकल ऑपरेटर हैं उनको बुला के मैंने अपना मीटिंग की है। मैंने उनको बताया, पहले भी 3-4 महीने ये पहले मुहिम चली थी, जो ब्लास्ट चिप सिस्टम का जो ब्लास्ट है वो लगा जाते हैं, तो मैंने ड्राइवर को हिदायत की थी कि भाई सुबह आके अपनी गाड़ी चेक करें, और नीचे से, अंदर से, ऊपर से कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको शक पड़ता है कि ये गाड़ी के साथ ऐसे ही किसी ने चिपका दी है, तो फौरी तौर पर ग्रुप को इन्फॉर्म करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, तो ताकि फौरी तौर पर उसको ज़ाया किया जाए। तो ये मैं फिर भी अपनी तरफ से पूंछ एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को, एसपी साहब को ये मैं अपील करता हूँ कि खासकर बस स्टैंड के अंदर ये बड़ी गाड़ियाँ तो दो बंदे चेक करते हैं सुबह शाम, पूरी कोशिश करते हैं अपनी गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो हर चीज़ चेक करके बैठते हैं। ये सुबह से शाम तक जो गाड़ियाँ इलीगल गाड़ियाँ, छोटी कारें हैं, मोटरसाइकिल हैं, स्कूटर हैं, ये गाड़ियाँ लोग लगा के यहाँ पे भाग जाते हैं, यहाँ से पता नहीं कहाँ चले जाते हैं दिन को, और शाम को आके गाड़ियाँ आप निकाल के लेके चले जाते हैं। खुदा ना खासा कभी इस गाड़ी में, किसी गाड़ी में कोई लगा के दूसरा बंदा गलत आदमी आके लगा गया, तो ये यहाँ पे गाड़ियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, और जो पैसेंजर होंगे या फिर और आदमी खड़े होंगे उनका जाना तय है, उनकी जान ज़ाया हो जाएगी। तो मैं डी साहब से यही अपील करूँगा, SP साहब से यही अपील करूँगा, SHO साहब से यही अपील करूँगा कि SHO साहब वक्तन वक्तन कल ही बस स्टैंड में पुलिस आए थे सारा, उनको अभी भी यहाँ पे बस स्टैंड में उनकी टीम आई हुई है, तो मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि पहले भी मैंने SHO साहब से कहा है कि आप हमारे साथ एक मीटिंग करें बस स्टैंड में, ताकि इस बस स्टैंड के अंदर जो इलीगल गाड़ियाँ लगती हैं इसके बारे में कुछ हल निकालें, सोल्यूशन निकालें, ताकि ये जो डर है हमारा ये डर ना रहे। तो जो इलीगल गाड़ियाँ हैं ना यहाँ ना लगने दें, ताकि इससे कोई बड़ा हादसा होने से हम बच जाएँ। अगर कोई बड़ा हादसा इस लावारिस गाड़ी में हो गया तो उसकी जवाबदेही आपको पता ही है कितनी परेशानी वो पड़ जाएगी आप एडमिनिस्ट्रेशन को, हमें। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, सबसे अपील करता हूँ कि ये इलीगल गाड़ियाँ जो बस स्टैंड डाल दें, बाकी जो बसें या मिनी बसें यहाँ पे रहेगी बस स्टैंड के अंदर, वो हम वक्तन वक्तन उस पर खुद भी चेक करेंगे और ड्राइवर को दोबारा हिदायत करेंगे, तब पूरी तरह से गाड़ी की चेकिंग करके अपना सफ़र शुरू करें जो सुबह यहाँ से निकलते हैं बस स्टैंड। सर ऐसा है कि मैं सबसे पहले, मैं जो गाड़ियाँ जहाँ लगा के लोग चले जाते हैं, चाहे कोई एम्प्लाइज हैं या कोई पूंछ में दुकानदार हैं या कोई और प्राइवेट काम करते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर या कारें, मैं उनसे मेरी अपील, हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि अपनी गाड़ी यहाँ पे बस स्टैंड के अंदर ना लगाएं। कल किसी गाड़ी में कोई हादसा हो गया तो सारी जिम्मेवारी उस नंबर की होगी, जो जिस गाड़ी का, जो गाड़ी जिसमें ब्लास्ट होगा वो उसी की सारी जिम्मेवारी होगी, सारा ब्लैम उस पर चढ़ेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि अपील करता हूँ कि अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे बस स्टैंड के अंदर बिल्कुल ना लगाएं, और अपने जहाँ काम करते हैं वहाँ लगाएं, घर पर लगा के आएँ, जहाँ भी करें सेफ साइड रहेंगे खुद भी और हमें भी सेफ रहने दें। थैंक यू सर।